लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि आप किस तरीके से अपने सिंपल वीएमआई कैलकुलेटर को टाइपस्क्रिप्ट में क्रिएट आउट कर सकते हैं। आज हम एक ऐसा वीएमआई कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जो कि आपको एज अ प्रोजेक्ट प्रोवाइड आउट किया गया है, जिसके अंदर आपने इंक्वायरर पैकेज का यूज करना है। सबसे पहले आप मेरी इंक्वायर पैकेज की वीडियो को चेकआउट कीजिए, देन मेरी सिंपल वीएमआई कैलकुलेटर की वीडियो को चेकआउट कीजिए ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आए यहाँ पर क्रिएशन करते हुए। हम npm से यहाँ पर inquire.js की कमांड का यूटिलाइजेशन करेंगे एंड अपने VMI कैलकुलेटर को क्रिएट करेंगे। लास्टली जो कैलकुलेटर हमने क्रिएट आउट किया था उसमें मैं जो हमारा इनपुट था वो प्रोग्राम में ही प्रोवाइड आउट कर रही थी, बट आज जो हम इंक्वायर का यूज करने वाले हैं इसके अंदर VMI कैलकुलेटर को क्रिएट करते हुए हम टर्मिनल से आउटपुट को कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपने इंक्वायर पैकेजेस को इंस्टॉल आउट करना है। अगर आप मेरी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज को फॉलो अप करें तो आपके पास इंक्वायर पैकेजेस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल आउट होंगे, लेकिन अगर आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर यहाँ पर काम कंपाइल आउट करें तो देन आपने दोबारा से इन्हें जो है वो इंस्टॉल आउट करना होगा। तो चलिए प्रोसेस को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट आउट करते हैं और हम यहाँ पर आपकी जो भी कोई ड्राइव है इसके अंदर एक अदद नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करती हूँ, मैं इसका नाम रखती हूँ VMI कैलकुलेटर विद इन क्वायर। ठीक है, तो आपने भी इस तरीके से सिंपल यहाँ पर इस फोल्डर को क्रिएट करना है। देन इस फोल्डर को ओपन अप कीजिए, ओपन अप करने के बाद आप सिंपल cmd के प्रोसेस को कंपाइल कीजिए। जल्दी से अपनी हम ts config को जो है वो कंप्लीट आउट कर लेते हैं एंड देन हम साथ ही साथ क्या करेंगे अपनी packages.json भी क्रिएट कर लेंगे। तो tsc-init लिखकर मैंने ts config बना ली और मैं यहाँ पर npm init डैश वाई लिखकर अपनी पैकेजेस डॉट जेसन की फाइल भी साथ ही क्रिएट कर लूंगी। दोनों फाइल्स को क्रिएट करने के बाद हम सिंपल कोड डॉट करेंगे ताकि जो हमारा VS स्टूडियो कोड है वो डायरेक्टली ओपन अप हो जाए। VS स्टूडियो कोड को ओपन अप करने के बाद न्यू फाइल के बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर main.ts को क्रिएट कीजिए एंड आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी ts config एंड packages json को यहाँ पर कंपाइल आउट करना है। सबसे पहले अपने ts config की फाइल को ओपन अप कीजिए, यहाँ पर नंबर 14 को जो है वो आपने 2016 से 2022 के अंदर शिफ्ट आउट करना है। लाइन नंबर 28 के अंदर आपको कॉमन जेएस मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, इसको आपने यहाँ पर नोड नेक्स्ट के अंदर कंपाइल करना है। ध्यान से लिखिएगा जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देन लाइन नंबर 30 को आपने यहाँ से अनकॉमेंट करना है, नोड 10 की जगह हम यहाँ पर नोड नेक्स्ट को टाइप आउट करेंगे। फिर से बता दूं, ध्यान से जो है इन दोनों लाइंस को फॉलो अप कीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद बटन पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे ताकि हमारी ts config यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमने ts config में चेंजेस किए हैं तो अब हम अपने packages json के अंदर अपने modules को ऐड करेंगे। तो सिंपल आपने लाइन नंबर 6 के अंदर टाइप के नाम से एक अदद कमांड को कॉल आउट करना है, कॉलम्स प्रोवाइड आउट करने हैं। यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे अपने जो हमने कॉमन जे एस अभी शिफ्ट आउट किए है नोड नेक्स्ट के अंदर, तो हम यहाँ पर इसको मॉड्यूल्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे। मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में कॉमा का यूटिलाइजेशन जरूर कीजिए ताकि आपकी पैकेजेशन जो है वो लास्ट में इनेबल हो। यहाँ से सपोज कीजिए इसको सेव कर दीजिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पैकेजेशन भी हमारी कंपाइल्ड आउट हो गई। सिंपल फाइल में चाहिए यहाँ पर सिंपल सेव में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पर एक कॉमेंट लिख लेते हैं जिसके अंदर मैं लिखती हूँ VMI calculator using inquirer prompt। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको टाइप आउट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ से जाते हैं अपने न्यू टर्मिनल के अंदर। न्यू टर्मिनल में जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आने, कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद अब आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपने सबसे पहले npm i inquirer वाली कमांड का यूज करना है, तो उसको कॉपी करेंगे, सिंपल पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इसकी इंस्टॉलेशन का
इनकम फाइल्ड आउट होगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आए। मीन वाइल जब तक ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा है, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स अपने चैनल के ऊपर कवर करने वाली हूँ, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप देखो हमारी एनपीएम इंस्टॉल्ड हो गई है, लेकिन ये कह रहा है कि आप एनपीएम फंड को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम सबसे पहले एनपीएम फंड को भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड आउट कर लेंगे। एनपीएम फंड अगर आप लास्ट में इंस्टॉल्ड आउट करो, ताकि जितने भी इसके फंडिंग पैकेजेस हैं वो साथ में यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाए। तो आप देखो मेरे पास यहाँ पर मेरे स्पॉन्सर चौक एंड यहाँ पर मेरा एल हब जो है वो हो गया है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरी दूसरी कमांड थी एनपीएम आई सेव डेव टाइप इंक्वायरर वाली, इसको मैं कॉपी करूंगी। इन कॉपी कर मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगी, ताकि ये भी मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड आउट हो जाए। अब इसके जितने भी पैकेजेस होंगे वो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखो इसने भी 71 पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए, लेकिन अगेन ये कह रहा है कि अब आप जो है वो एनपीएम फंड को इंस्टॉल कीजिए। तो हम यहाँ पे अगेन से एनपीएम फंड को इंस्टॉल्ड आउट कर देंगे, ताकि यहाँ पर जो हमारे टाइप्स हो हैं इंक्वायरर की, वो भी एक साथ जो है वो कम्प्लीट आउट हो जाए। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर मेरे पास कम्प्लीट हो गया। सिंपल फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज करना है। जब भी आप कोई भी इस तरीके की चीज इंस्टॉल करो, लाजमी अपने वीएस कोड को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, दोबारा से वही फोल्डर ओपन अप करना है, जिसके अंदर अभी हमने ये सारी चीजें क्रिएट की थी। देखिए आपकी TSCon पे गया, पैकेजेस जेसन है, मेन है, नोट के मॉड्यूल्स है, एंड हमारे पास पैकेजेस लॉग जेसन भी अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपल दोबारा CMD करेंगे। एंड CMD करने के बाद में यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखूंगी, ताकि मेरा वीडियो स्टूडियो कोड ओपन अप हो जाए। जो मैंने क्लोज करवाया था, इसका रीजन ये था क्लोज करवाने का, कि जितने भी मेरे प्रॉम्प्ट हैं या जितनी भी मेरी चीजें हैं, वो आसानी से हमारे पास यहाँ पर क्रिएट आउट हो जाए। तो आप देखो यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें थी वो क्रिएट आउट हो गई है। तो अब हम सिंपल काम करते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, अपना प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट आउट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट का फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, और इम्पोर्ट के फंक्शन में मैं इंक्वायरर को कॉल करूंगी। तो मैंने सिंपल इंक्वायरर को जो है वो इम्पोर्ट फंक्शन में यहाँ पर कॉल्ड आउट कर दिया। ठीक है, कॉल्ड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बाकी चीजों को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम बना रही हूँ, वो हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे जो कि टर्मिनल से आउटपुट कंटेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्लेयर करूंगी। आपको पता है ये कांस्टेंट क्यों प्रोवाइड आउट किया जाता है, ताकि मैं जो भी वैल्यू दूं वो यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझसे कांस्टेंट में सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन जो होने चाहिए वो मेरे पास होने चाहिए एरे की फॉर्म के अंदर। अब मेरे पास एरे की फॉर्म में किस तरीके से होने चाहिए, सबसे पहले आपने मुझसे यहाँ पे टाइप पूछनी है। टाइप जो होगी वो मेरे पास किस चीज के अंदर होगी, इसका ऐसा करता है सिंगल अपोस्ट्रॉफी में यूज करते हैं। तो यहाँ पर टाइप जो भी वो हमारे पास नंबर्स के अंदर डिक्लेयर होगी। नंबर्स के अंदर डिक्लेयर होने के साथ साथ मुझे क्या चीज चाहिए होगी, मुझे नाम चाहिए होगा। नाम में किस चीज का प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वेट को प्रोवाइड आउट कर देती हूँ, क्योंकि टर्मिनल से आउटपुट लेने जा रही हूँ, तो इस चीज का मुझे यहाँ पे ख्याल रखना है। ठीक है, तो वेट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। कॉमा जहां जहां लगे वहां जरूर लगाइए, जहां पर स्पेस है वहां पर स्पेस को प्रोवाइड आउट कीजिए। मुझसे मैसेज पूछेगा ऑब्वियसली कि मेरा वेट कितना है और मेरी हाइट कितनी है, तो मैसेज का फंक्शन कॉल करेंगे। मैसेज के फंक्शन को कॉल करते हुए हमने साथ में क्या चीज बतानी है, अपना वेट बताना है। तो मैं अगेन यहाँ पे वेट को डिक्लेयर कर दूँ, और वेट आपको पता है किस चीज के अंदर होता है, केजीज के अंदर होता है। तो वेट को हमने सिंपल केजीज के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फंक्शन को वेट के लिए लाजमी कॉल्ड आउट करना है। इसी सेम फंक्शन को हम रिपीट करेंगे, रिपीट करके क्या करेंगे, हाइट को यहाँ पर डिक्लेयर आउट कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। जहां जहां मेरे पास वेट लगता है वहां वहां पर मैं सिंपल हाइट को डिक्लेयर कर देती हूँ। यहाँ पे भी हाइट आएगी हमारे पास, तो हाइट किसके अंदर होती है हमारे पास, आपको पता है कि हमारी जो हाइट होती है वो बेसिकली मीटर के अंदर होती है। तो हम मीटर्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो मेरे जो दोनों पैरामीटर्स होंगे वो बेसिकली यहाँ पर
कंडक्ट आउट हो जाएंगे। अभी भी देखो इंक्वायरर का जो एरर है वो प्रोग्राम के साथ चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने इसीलिए जो है वो क्लोज करवाया था, ये किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं है। इसके बाद प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉन्स्टेंट का वेरिएबल लेते हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपना बी एम आई के नाम का एक फंक्शन। मैं कहती हूँ कि मेरा जो बी एम आई है वो किस चीज के बराबर होना चाहिए, वो बेसिकली मेरे पास बराबर होना चाहिए यहाँ पर मेरे वेट के फंक्शन के। वेट का फंक्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पर किसके अंदर होगा, नंबर के अंदर होगा लाजमी। ठीक है, ये चीज आपने जो है वो लाजमी लिखनी है। इसके बाद मेरे पास हाइट होगी, हाइट भी मेरी किस चीज के अंदर होगी, उसको भी मैं यहाँ पे नंबर के अंदर जो है वो डिक्लेयर आउट करूंगी। हमें डेटा टाइप जो होती है वो लाजमी बतानी होती है, तो दोनों के डेटा टाइप मैंने यहाँ पे बता दी। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपने नंबर को कॉल आउट करना है। यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को कॉल्ड आउट करूंगी जिसमें मेरे पास क्या होता है, जिसमें मेरे पास वेट जो होगा वो डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर। ऐसे करते हैं उसको ब्रैकेट में डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है वो अपना कंपैरिजन ऑपरेटर एंड कंबाइन ऑपरेटर यूज करें, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो डिक्लेयर कर दे। मैं इसके लिए थोड़ा छोटा कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको जो है वो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे नजर आ जाए। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने सबसे पहले पूरे फंक्शन को डिक्लेयर कर देना है। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है अवेट के फंक्शन को लेकर, ठीक है। तो अवेट का जो फंक्शन होता है ना, वो हमेशा एसिंक्रोनस के फंक्शन के साथ हम कंबाइन करते हैं। तो उसको कंबाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंट लें, कॉन्स्टेंट के साथ आप एक मेन को डिक्लेयर करें और मेन को आप बता दें कि ये यहाँ पे एसिंक्रोनस के इक्वल है, ठीक है। सिंक्रोनाइज का फंक्शन डिक्लेयर किया हमने, सिंक्रोनाइज के फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पर स्पेस दूंगी। स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन करूंगी अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसके अंदर मैं बताती हूँ कि मेरे पास कॉन्स्टेंट जो वैल्यू रहेगी मेरी वेट और हाइट की, बेसिकली वेट लेंगे हम और इसको हम किस चीज के साथ ले लेंगे, इसको हम हाइट के साथ जो है वो कॉल्ड आउट कर लेंगे। वेट और हाइट के मेरे जो दोनों फंक्शंस हैं वो यहाँ पे बराबर हो जाएंगे अवेट के फंक्शन के, ठीक है। यानी कि आपने अवेट का फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल किया है, साथ में हमने इंक्वायरर को भी कॉल्ड आउट कर लिया। इंक्वायरर आपको पता है कि कभी भी अकेले यूज नहीं होता, वो डॉट प्रॉम्प्ट के साथ यूज किया जाता है, तो डॉट प्रॉम्प्ट के साथ यूज कर दिया। अब यहाँ पे इंक्वायरर जब वेट करेगा तो क्या पूछेगा मुझे, वो भी तो चीज के वेट पूछेगा या हाइट पूछेगा मुझसे, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम किस फंक्शन में कॉल करेंगे, जो कि हमने लाइन नंबर 5 पे अपने क्वेश्चन के फंक्शन को डिक्लेयर किया, तो उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉल आउट कर दूंगी, ताकि आसानी से मेरे लिए क्वेश्चन के फंक्शन को यहाँ पे कॉल आउट करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज है ना, वो ये होती है कि हमने जो है वो इसके लिए फिक्सिंग करनी है अपने नंबर्स की। आपको फिक्स नंबर चाहिए या फिर आपको डेसिमल में नंबर्स चाहिए, तो उन चीजों को जो है हम यहाँ पर फिक्स आउट करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी हाइट या वेट प्रोवाइड करूँ ना, वो मुझे बहुत बड़ा डेसिमल का नंबर प्रोवाइड नहीं करे, वो मुझे 2 या 3 जो फिक्स डेसिमल के नंबर्स हैं उनको प्रोवाइड आउट कर दे। तो हम दो नंबर्स को कॉल आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन कॉल करते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपको पता है हम किस चीज को कॉल करते हैं, हमेशा टेम्पलेट लेटर्स को। टेम्पलेट लेटर्स को कॉल करते हुए मैंने बताया कि इसमें मुझे बताना चाहिए कि मेरा बीएमआई जो है वो यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर किस चीज के इक्वल है, मेरे कैलकुलेट बी एम आई के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि मैंने लाइन नंबर 10 में कैलकुलेट बी एम आई का फंक्शन दिया था, तो मैं कैलकुलेट बी एम आई के फंक्शन के इक्वल इसको रखूंगी। मेरा कैलकुलेट बी एम आई का फंक्शन मैंने किस चीज के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर किया है, वो मैंने किया है वेट के अकॉर्डिंगली और अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। ये दोनों फंक्शन मैंने यहाँ पर आसानी से फिक्स आउट कर दिए। अब वो वाला फेज आता है यहाँ पर कि जहाँ पे मुझे बताना है कि कितने डेसिमल के बाद के नंबर्स मुझे डिक्लेयर करने, तो मैं यहाँ पे डॉट TO fix की जो कमांड है ना, इसको यूज करूंगी। जब मैं डॉट TO fix की कमांड पर यूज करती हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को और रिप्रेजेंट करेगा नंबर को फिक्स नोटेशन के अंदर, तो यानी कि 0 से 20 की रेंज के अंदर ये मुझे जो है वो प्रोवाइड आउट करके देगा। तो मैं डॉट fix की कमांड का यूज करूंगी। अच्छा, आप डॉट fix की कमांड यूज करिए तो ब्रैकेट में बताना भी पड़ेगा कि कितने जो है वो हमें यहाँ पर नंबर्स चाहिए डेसिमल के बाद। तो मैंने डेसिमल के बाद दो नंबर्स को यहाँ पे कॉल्ड आउट कर दिया। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि कहलाती
ये हमारे पास मेन का फंक्शन, आपने अक्सर प्रोग्राम्स में इस तरीके से मेन के फंक्शन को डिक्लेयर होता हुआ देखा होगा। तो मेन का फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने इंक्वायरर वहां पर कॉल्ड आउट किया है वो इस प्रोग्राम के अंदर कॉल्ड आउट होगा, इस प्रोग्राम में वो वर्क करेगा। तो इसके लिए हम लास्ट में मेन के फंक्शन को कॉल करते हैं कि हमने जो भी चीज इम्पोर्ट की है आप उसको इस प्रोग्राम में कॉल करो। इसको कॉल करने एक अच्छी प्रैक्टिस होती है हमारे पास, अगर हम इसको कॉल नहीं करते तो समटाइम हमारे प्रोग्राम्स में एरर डिक्लेयर होता है। तो पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हम फाइल में जाके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे एंड अब हम टर्मिनल के अंदर इसके आउटपुट को चेकआउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें इंक्वायरर का एरर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं अपने टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल में जाके एक नई टर्मिनल के अंदर आते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले डीएससी करते हैं, टीएससी कर कर देखते हैं यहाँ पर। एंड अभी भी हमें इंक्वायरर का एरर दे रहा है और पैकेजेस में टाइप का मुझे एरर प्रोवाइड आउट कर रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने पैकेजेस में जाते हैं और यहाँ पर टाइप को मॉड्यूल कर देते हैं। जो 6 वाला हमारा यहाँ पर लाइन है हमने लिखी थी ना, इसको मॉड्यूल कर दें एंड क्लोज करके यहाँ से इसको सेव कर दें। ठीक है, तो देखिए इंक्वायर का जो एरर था वो मेरे पास यहाँ से चला गया है। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, नए टर्मिनल में आते हैं। नए टर्मिनल में आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पर टीएससी लिखूंगी एंड देन जो है वो हम अपना नोड मेन डॉट जेएस करेंगे। तो क्या ये हमसे यहाँ पर इनपुट डिक्लेयर कर रहा है, तो जी हाँ, इस समस्या बिल्कुल बोला कि आप अपना वेट बता दें, तो हम वेट यहाँ पर 70 जो है वो प्रोवाइड आउट कर देते हैं। और देखिए केजी इन मीटर में तो बताने की जो है वो ज्यादा नहीं होगी, हाइट पूछ रहा है तो हाइट में 1.75 जो है वो डिक्लेयर कर देती हूँ। तो मेरा बीएमआई इसने कितना बताया है, 22.86। आपको याद है कि हमने यहाँ पर टू पिक्स का जो फंक्शन यूज किया था लाइन नंबर 15 के अंदर, उसके थ्रू यहाँ पर क्या हुआ, आप देखें डेसिमल के बाद दो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फोर कर दूँ, टू सिक्स की जगह मैंने फोर कर दिया एंड देन मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया एंड सेव कर कर अब मैं अगेन यहाँ पर डीएससी करती हूँ एंड हम नोड मेन डॉट जेएस करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास अब जो है वो ज्यादा वैल्यूज डिक्लेयर होती है। मैं सेम ऊपर वाली वैल्यू ही प्रोवाइड आउट करूंगी ताकि जो है वो हमें पता चले कितना वर्किंग कर रहा है। तो आप देखो 22.8571 विल बी द आंसर, यानी कि मैंने 26 को 4 में डिक्लेयर किया था तो उसने मुझे डेसिमल के बाद 4 नंबर प्रोवाइड आउट किए। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो काफी अच्छा सा प्रोजेक्ट था जो आपने क्रिएट करना है, क्रिएट करके आपने सबमिट कराना है। तो आप मेक श्योर करो कि इस फाइल को जो है वो आप अपने गिटहब के पर लाजमी प्रूव आउट कीजिए, लिंक पे भी लाजमी शेयर आउट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अपनी क्लास से रिलेटेड या अपने होमवर्क से रिलेटेड कोई भी चीज मिस आउट की है तो ऑल थिंग्स जो है वो आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। फर्दर आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स अपने चैनल के ऊपर कवर अप कराऊंगी, सो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।